गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नेशन पढ़ रहे थे, बहुत हद तक कंप्लीट हो गया था, कुछ बाकी है देख लेते हैं। चलिए, आप लोगों को तो याद ही है बहुत कुछ। पंजाब में ये जो ड्रग एडिक्शन का काफ़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक फिल्म बना था उड़ता पंजाब। तो अभी कोविड के दौरान में जो ड्रग एडिक्ट्स है, उन ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग नहीं मिल रहा है, तो ड्रग नहीं मिल रहा है तो फिर उनको थेरेपी की जरूरत पड़ रहा है। तो चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो ओपियम है, ओपियम से मिलता जुलता जो केमिकल हमारा ब्रेन बनाता है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? तीन आंसर दिख रहा है, ममता, तुफा और आरती का, बट अभी कमेंट नहीं कर रहा है, देखते हैं शायद कोई और भी कुछ बोले। ओके, आंसर हम दे रहे हैं फिर। इट इज इंडोरफिन, इंडोरफिन, नॉट इंडोमॉर्फिन, इट इज इंडोरफिन। ठीक, तो ये जो है इंडोरफिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्रेन में बनता है। अच्छा, इससे क्या होता है, अगर ये बनता है तो क्या होता है, इससे क्या फीलिंग आता है? अच्छा, वो आरती आता है बट वो एक पर्टिकुलर टाइम में आता है। कुछ और सोचिए। इससे मेन जो प्रॉपर्टी है इसका, जो वो है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, बोथ पेन रिलीवर, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। हाँ, एक यूफोरिया आता है, ठीक, इसका यूफोरिया अलग होता है। तो ये जो है केयरलेसनेस टाइप का यूफोरिया आता है। तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब ड्रग एडिक्ट लोगों को जो दवा देते हैं, वो दवा एंटागोनिस्ट होते हैं, याद होगा। तो हाँ, पॉइंट पर वापस आ रहे हैं। पंजाब में इस लॉकडाउन के दौरान जो अफीमची थे, ओपियम डिपेंडेंट पर्सन्स, उन लोगों को ड्रग मिलना बंद हो गया है। तो वो लोग सरकारी सेंटर्स में जा रहे हैं थेरेपी के लिए। थेरेपी में दवा जो मिलता है, नाम से लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो जो दवा है उसको लेने से उन लोगों को विड्रॉवल सिम्टम्स नहीं आएंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स को मैनेज करता है। उसमें एक दवा जो है एंटागोनिस्ट है, कि अगर वो उनको फिर से सब्सटेंस मिल भी जाए, हीरोइन वगैरह, तो उसका असर नहीं होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर आउट पेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट सेंटर्स काफ़ी भीड़ लगने लगा है। लोग यहाँ पे आते हैं दवा लेने के लिए। दवा है ब्यूरेनॉर्फिन और नैलोक्सोन, ठीक, और
इतना ज़्यादा हम ड्रग्स चैप्टर में पढ़ा दिया आप लोगों को कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। ये जो होता है विड्रॉवल क्रैविंग, विड्रॉवल सिम्टम्स, ये सब नहीं आने देगा। और कितना भी अगर ये खा लेंगे तो ये इसका हाई यूफोरिया मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, आसानी से इस पे लोग चर्चा नहीं करेंगे, काफ़ी सेंसिटिविटीज होती है, बट स्टिल बात हम लोग करेंगे। पूरी जगन्नाथ यात्रा जो है, सुप्रीम कोर्ट इसको नॉड दे दी, बोले कि 500 से ज़्यादा लोग रथ नहीं खींचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा और उस दिन पूरा शहर में कर्फ्यू रहेगा। हम जिस मुद्दा पे फोकस करना चाह रहे हैं, मेरा मुद्दा ये है कि अट्ठारह जून को यही सुप्रीम कोर्ट इस यात्रा को बैन की, ठीक, और उसके बाद 22 जून को ये लिफ्ट कर ली, बैन की। बैन करने के बाद उसको बताया गया कि बहुत अर्जेंट मैटर है, फिर से सुनवाई कीजिए, फिर से बैठिए, और फाइनली बैन उठा दी। हम मुद्दा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर यही काम, हम केवल एक ही मुद्दा उठा रहे हैं आप लोगों के पास, कि अगर यही काम किसी मुस्लिम फेस्टिवल के साथ की होती तो अगला 70 साल तक ये मिसाल बन जाता, तुष्टीकरण, अपीजमेंट हो रहा है, मतलब मुस्लिम लोगों को बहुत, मतलब अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये मिसाल बन जाता, वो मीम्स पे मीम्स आना शुरू हो जाते कि ये मतलब अपीजमेंट तो आप लोग जानते ही है, जिसको तुष्टिकरण लोग मतलब ज़्यादा जान रहे हैं। तो हिंदू फेस्टिवल है, इसीलिए इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। तो क्वेश्चंस तो उठते हैं कि जब शादियों में भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, तो फिर आखिरकार इस फेस्टिवल को अलग से परमिशन देने का क्या मतलब है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये खुद में एक मिसाल बनने वाला है, अभी आपको पता है कि ये बोलबम शुरू हो जाएगा, देवघर लोग जाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसी मिसाल पे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे इसको भी ओपन करो। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, ये मतलब धर्म आस्था का जो बात बार बार करते हैं, उसके नाम पर लोगों के ज़िंदगी को एक्सेप्शन के तौर पे इसको खतरा में डालने वाला बात है। और बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोग कभी अगर वीडियो आया होगा इस बार का तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कितने लोग मास्क लगाए हुए थे और कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। तो ये मुद्दे हैं, हम वो बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है किसी भी रिलीजन को लेकर के स्पेशल जो छूट देना, ये एक गलत परंपरा है। ये मतलब कुछ लगता है जैसे कि ये स्पेशल इसका ट्रीटमेंट है, अगर ये स्पेशल ट्रीटमेंट है तो फिर हमारे स्कूल और कॉलेज जो खोल दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग अगर यही बोलना है, 500 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे, डिस्टेंस बता दीजिए, मतलब ये जो है ना बड़ा खतरनाक हम लोग रास्ता में जा रहे हैं। अभी हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये शुक्र था कि हिंदू फेस्टिवल था, अगर यही बात ईद या किसी और फेस्टिवल पे अगर सुप्रीम कोर्ट की होती तो पूरा देश में भी बवाल मचा हुआ होता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका सूरज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो कब एडिक्ट हो जाएगा, बट कुछ ड्रग्स जो होते हैं, ओपियम का तो ऐसे नहीं ऐसा है,
जो पहला बार से बड़े खतरनाक हो जाते हैं, एलएसडी वगैरह, जिसका फ्लैशबैक अगर आना शुरू होता है। ये बोलना बड़ा मुश्किल है, ये डिपेंड करता होगा बहुत कुछ पर्सन पे कि फर्स्ट बार में होगा कि नहीं होगा, बट बेहतर है सबको नहीं ही आजमाया जाए, क्योंकि ये रीइन्फोर्सिंग होता है ना, अगला बार बिहेवियर लोग करना चाहते हैं, उनको लगता नहीं है कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमको तो कुछ नहीं हुआ है, हम तो एडिक्ट नहीं हुए, चलो आज भी खाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं निकोटीन का, तो निकोटीन जो सिगरेट पीते हैं वो कभी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमको हम डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन जब छोड़ने जाते हैं तो पता चल जाता है कि डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए। तो डिपेंडेंसी आएगा और पता भी चलेगा, ये मुश्किल है बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में जो रूल्स थे कि जो पर्सन पॉजिटिव होगा वो होम क्वारंटाइन में रह सकता है, तो दिल्ली के जो एलजी है उसको स्क्रैप किए इस चीज़ को कि नहीं, उसको कम से कम 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना ही पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार काफ़ी प्रोटेस्ट की, तो फाइनली इस ऑर्डर को एलजी वापस ले लिया। आप इसका कारण समझ ही जाएंगे कि डेली करीब करीब अगर 2,000 केस आ रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी जो होगा बहुत जल्दी ओवरवेलम्ड हो जाएगा। जिसके घर में 2-3 रूम हैं और कम से कम एक सेपरेट बाथरूम है, टॉयलेट है, वो घर में भी क्वारंटाइन हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल और जो मिनिस्ट्री थी वो एलजी को मिल करके अपना बात सामने रखी कि होम क्वारंटाइन को रहने दिया जाए, तो कुछ ट्विकिंग के साथ, मतलब कि होम क्वारंटाइन के केस में अगर कोई पर्सन बोलेगा कि हमको होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे, तो उसके घर में एक इंस्पेक्शन होगा कि इसका अलग रूम हो और अलग टॉयलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर हो पाएगा तो फिर वो घर में ही क्वारंटाइन रहेगा। मतलब कहने का हम बात ये बोल रहे कि ऐसा ही था, एलजी इसको उलट दिए थे फैसला को कि नहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर से वापस हम लोग आ गए हैं, यानी होम क्वारंटाइन चलेगा। आगे चलते हम लोग। आरोग्य सेतु ऐप को हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके हेड है शशि थरूर, वो इसको वो लोग इसको चेक कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस मेंबर को सर्कुलेट किए गए हैं, सरकार को दिया गया है, और फिर ये लोग उस पर देखेंगे कि आरोग्य सेतु में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, पढ़ के समझ में आ जाएगा। ये जो आर्टिकल है लॉगिंग ऑन टू द क्लास, ये आर्टिकल में वही सब बातें हैं जो हम कई बार बताते रहते हैं कि आपको पता भी है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ये इसको परेशानी होंगी। घर में अगर स्मार्टफोन नहीं है या अगर टीवी नहीं है, जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर होता है, टीवी नहीं है, तो ये बच्चे पिछड़ जाए, और जब क्लास खुलेगा तो जो बच्चे वेल टू डू घरों से है वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, और ये जो बच्चे होंगे ये बच्चे पिछड़े पिछड़ जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, और एक बार यूपीएससी में हमको लगता है ये साइकोलॉजी का ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन आया था कि ऑनलाइन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ डिप्रेवेशन। तो ये सब अगर आप पढ़ते रहेंगे इन बातों को, तो आंसर वो साइकोलॉजी में इसको अलग से पढ़ना मुश्किल है, बट ये आपको यहाँ पे मतलब पेपर्स वगैरह से आप ये सब डेटा अगर आप दिमाग में रखते हैं, बातों को समझते हैं, तो लिख पाएंगे। तो ऑनलाइन लर्निंग जो है उसे सोशल आइसोलेशन तो होता है, आइसोलेशन हो रहा है सोशल, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम होगा। एक एग्जांपल आप लोगों को देंगे हम, तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे बात को, जो हम बार बार बताते ही है, फिर एक बार बोल रहे हैं कि अगर बच्चों को सोचिए आप 10th तक के बाद से बच्चों को केवल ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो सोशल आइसोलेशन तो हो ही रहा है, आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, मिलजुल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को आप बिहेवियर को समझना, एक बिहेवियर को समझना
नॉन वर्बल जेस्चर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि दूसरा का नॉन वर्बल बोल नहीं रहा है बट वो चाह रहा है। तो कहीं आप लोग क्लास में फील किए होंगे कभी कभी कि कोई इसी बेंच में दो सीट है और कोई एक ही पर्सन बैठा हुआ है, और वो पर्सन कुछ इस तरह से बैठा है कि उस पर कोई दूसरा ना बैठ सके, या आपके वहाँ खड़े होने के बाद भी आपको इग्नोर अगर किया जाए तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर इसको इरादा नहीं है बैठने देने का। तो खैर आपका रिएक्शन जो भी हो, बट समझना तो ज़रूरी है ना कि ये इसका नॉन वर्बल जेस्चर क्या बता रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो होती है ऑनलाइन कभी नहीं सीख सकते, और न ही कोई टीचर कभी सिखाए, हम लोग का करिकुलम में होता भी नहीं है, तो ये टीचर सिखा नहीं सिखा सकता है। एक एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, आप ये देखे होंगे कि कई लोग सोशल मीडिया पे चैटिंग करने करके, केवल चैटिंग करके अफेयर भी होता है और कई लोग शादी भी कर लेते हैं। ये जो शादी है ये इसका बर्बाद होने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा है। कि खैर आप बोलेंगे अरेंज मैरिज में तो वो भी नहीं होता है, उसका हम कंपेयर वहाँ से नहीं कर रहे हैं, बट ये जो है कि केवल और केवल चैटिंग के भरोसे, हम बात भी नहीं बोल रहे, केवल चैटिंग के भरोसे लोगों का पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा वो छुपा रह जाएगा। तो हाँ, वैरिड एक्सपीरियंस जो होंगे वो नहीं होंगे। तो ये जो है इसके अलावे स्पोर्ट्स जो स्कूल्स में होते हैं, बॉन्डिंग जो होते हैं, ये सारी की सारी बातें जो होंगी वो नहीं होंगी ऑनलाइन क्लासेज में। सोचिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास आप लोग तो सब एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसा होता कि यहाँ पे जमशेदपुर के ही 20 लोग रहते लेकिन आप लोग किसी को जानते नहीं होते, तो वो बॉन्डिंग जो होगा वो कभी नहीं बनेगा जो ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी है। तो एक हाइब्रिड लर्निंग इसे सुझाया है आज के दिनों में, कि ऐसा किया जा सकता है कि आधे बच्चे स्कूल में आए और आधे बच्चे अगला दिन आए, चार दिन क्लास चले, दो दो दिन करके छोटा छोटा क्लास हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और तीन दिन ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन हो, तो उससे स्कूल भी खुला रहेगा। मतलब ये राइटर थोड़ा सा इनरिच्ड इन्वायरमेंट लाने का बात किया है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। एजुकेशन के बारे में यहाँ पे कुछ बात किया है कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये इसका हम जनरल सेंस बता दे रहे हैं कि ये राइटर बोल रहा है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एरा में बांट देते हैं, ये पीरियड है, इसमें क्या हम राजा लोग आए, क्या सोशल चेंजेस हुए, ये सब हम पढ़ते हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसके अलावा हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता चला गया, ह्यूमन एक्टिविटी कैसे हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ कि नहीं हुआ, और नदियों का बंटवारा कैसे हुआ, ये सारी की सारी बातें जो है पढ़ा जाए, ताकि जो अभी चेंजेज हो रहे हैं उसको बेहतर तरीका से समझा जा सके। बहुत सारी फीमेल्स हॉस्पिटल नहीं जा रही है डिलीवरी के लिए इस डर से कि कहीं वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए कोविड का, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम हो गई हैं, इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, और इस कारण से भी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो कम हो गई है। नेशनल ख़त्म किए आप लोगों को हम इसका सीट, अच्छा इसमें तो पूरा तो नहीं भेजना है ना, पार्ट वन हो चुका है 35। ये था हम लोग का सिस्टम, था करंट अफेयर्स पार्ट 3A। अब हम लोग लाइफ साइंसेस शुरू करते हैं।
वैक्सीन्स तो वैक्सीन्स के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, आपको कुछ कुछ नाम याद भी होगा, मॉडर्ना वगैरह। तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स जो है उसका वैक्सीन क्या क्या बन रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में डिटेल दिया है, शॉर्ट में पढ़ के निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग सब जानते हैं। तो WHO का चल रहा सॉलिटरी ट्रायल्स, UK में चल रहा रिकवरी ट्रायल्स और US में चल रहा ऑपरेशन वार्प स्पीड, ये सब जो है ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठीक, तो फेज 1 होता है, आपको पता है कि 20-20 सब्जेक्ट्स होते हैं और देखा जाता है कि सेफ्टी और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले सेफ्टी देख लेते हैं। तो हमारे रामदेव बाबा जो है करीब करीब इतने ही लोगों पर किए थे, जब अगर देखा जाए तो फेज 1 ट्रायल में ही उनका दवा बन गया था। तो अब आगे हमारा फेज 2 ट्रायल्स, तो फेज 2 ट्रायल में ग्रुप बना करके बच्चे और एज वाइज सेक्स वाइज और इसका स्टडी करते हैं, उसमें फिर वैक्सीन का फिर से सेफ्टी, इम्यून सिस्टम जनरेट कर रहा है कि नहीं, कितना डोज इफेक्टिव है, शेड्यूल्स कैसे होने चाहिए, मेथड ऑफ डिलीवरी, ये सब टेस्ट करते हैं और फाइनली हजारों लोगों पर फेज 3 ट्रायल करते हैं। अब वो कन्फर्मेटरी है अभी तक जो टेस्ट किए थे। तो जो छोटे मोटे स्टडी में सामने नहीं आते हैं प्रॉब्लम्स, वो बड़े स्टडी में आ जाते हैं, उसके बाद अप्रूवल होता है, लाइसेंसिंग होता है और उसके बाद उसको बनाना शुरू किया जाता है। तो अब देख लीजिए, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, फिर क्यों डालते हैं यहाँ पे, इसलिए डालते हैं कि कुछ कुछ डेटा कुछ बड़ा यूनिक रहता है। तो यहाँ पर एक साथ में बहुत कुछ दे दिया है। तो कई तरह के वैक्सीन होते हैं, जीनेटिक वैक्सीन, तो जीनेटिक वैक्सीन जो होते हैं वो वायरस के जीन को यूज करेंगे, यहाँ इस केस में RNA, ठीक, मतलब जैसे mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन जो होगा वो जीनेटिक वैक्सीन हो जाएगा इम्यून सिस्टम को लाने के लिए। एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन, तो इसमें क्या होगा कि वायरस का जीन को बॉडी में ले जाने के लिए किसी ना किसी वायरस को यूज करेंगे, जो कोरोना वायरस नहीं होगा, कोई और वायरस होगा, ठीक। फिर क्या है, और वो जो वायरस होगा वो इतना कमजोर होगा कि डिजीज वो नहीं फैला सके। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, प्रोटीन, आप लोग बोलिए ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन क्या होगा? हाँ, किसी भी किसी ना किसी तरीका से वो उसका वायरस का जो प्रोटीन है, जैसे एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ये हम लोग मतलब उसको एंटीजेन इंजेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोटीन बेस्ड। और होल वायरस वैक्सीन ये वायरस को ही यूज करेगा, उसको कमज़ोर करके डाल देगा, तो उसको लेकिन कमज़ोर करके डाला जाएगा, हीट या केमिकल से उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा। तो ये 4 तरह के हम लोगों को वैक्सीन का नाम हम लोग को मिला, इकट्ठा मिला, इसलिए हम इसको यहाँ रहने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या अभी मार्केट में है, आप लोगों को याद होगा CHADOX1, ये जो है इस वैक्सीन का एक्चुअल नाम जो है, एडेनो वायरस का नाम है ये AZD1222, एस्ट्राजेनिका बना रहा है कंपनी का नाम, चिंपैंजी का नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा प्रोप्राइटरी होगा। ये जो है ये चिंपैंजी का एडेनो वायरस
में रहेगा हमारा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और उसको उसको एडमिनिस्टर करेंगे। यूके और ब्राज़ील में इसका ट्रायल चल रहा है। आगे चलते हैं। मॉडर्ना आप लोग को अच्छा से याद है, mRNA 1273 वैक्सीन, ये कौन कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है US ऑपरेशन वार्प स्पीड, इस प्रोजेक्ट में ये आ रहा है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे क्या है, आगे है एक और mRNA का फॉर्मेट बेस्ड वैक्सीन बन रहा में चल रहा है ट्रायल जर्मनी में और US में, तो ये फाइजर BioNTech वैक्सीन, ये RNA वैक्सीन है। अगला है ये लंदन में चल रहा है, सेल्फ एम्प्लीफाइंग RNA टेक्नोलॉजी का एक वैक्सीन चल रहा है। आगे सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड आपको याद ही होगा, इसका मतलब है कि ये वायरस को इनएक्टिवेट करके कर रहा है। आगे सिक्स्थ है हमारा एडेनोवायरस बेस्ड एक और वैक्सीन है, वो उसका नाम है AD5। आगे प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है NVX-CoV-2373। अब आपको समझ में आगे आने, मतलब हम आगे नहीं लिख, बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट किए हैं क्योंकि बाकी सब आप समझ जाएंगे। एक और भी है, एक न्यू टेक्नोलॉजी समथिंग बेस्ड ऑन RNA, कोई नया टेक्नोलॉजी है जो पहला बार यूज हो रहा है, ये है क्योरवैक वैक्सीन, और एक जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है। आगे चलते हैं। ये जो स्टडी है, इस स्टडी में एक सीरियन हैमस्टर्स, ये सीरियन हैमस्टर जो है ये चूहों के टाइप के ये स्पेसीज है। ये सीरियन हैमस्टर में ये टेस्ट किया गया है प्लाज्मा थेरेपी को, तो ये कॉन्वर्सेलेंट प्लाज्मा सीरियन हैमस्टर्स को एडमिनिस्टर किया गया है इन डिफरेंट डोजेज, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, डिफरेंट डोजेज, लो टू हाई, और उनको फिर वायरस से एक्सपोज किया गया, तो ये देखा गया है कि जिनमें हाई डोजेज में जिनमें एडमिनिस्टर किया गया था उनमें वायरल लोड काफ़ी कम है, और लो जिनको इंजेक्ट किया गया था उनमें वायरल लोड ज़्यादा है। यानी कि हाई, ये पता चल रहा है कम से कम जानवरों में कि हाई डोजेज में कन्वर्सेलेंट प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल है। बाकी आप पढ़िए। अब एक और भी स्टडी है जो एक तरह से मिक्स रिजल्ट टाइप का, कि एक स्टडी में ये पता चला है कि जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस, ये एंटीबॉडीज 2-3 महीने में इनका नंबर कम होना शुरू हो जा रहा है। ऐसा नहीं बोले ख़त्म हो जा रहा है, नंबर कम होना शुरू हो रहा है। और भी बात कि जो लोग असिम्प्टोमैटिक पाए जा रहे हैं उनमें एंटीबॉडी का जो लेवल है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम बन रहे हैं, और जो लोग सिम्प्टोमैटिक पेशेंट है सीवियर उनमें एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा रह रहा है। तो लेकिन यहाँ पे ये स्टडी ये बोल रहा है कि भले ही एंटीबॉडी का लेवल 2 महीने के बाद कम हो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग आसानी से री इन्फेक्ट हो जाएंगे। कि ये कह रहा है कि लो लेवल भी एंटीबॉडी अगर मौजूद रहे तो ये वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा। और
तो ये जो हो गया, जो एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी को हम लोग कुछ रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि टी सेल जो होते हैं वो भी वायरस को मार सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्युलर रिस्पॉन्स, सेल्युलर रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडी वाला जो रिस्पॉन्स है उसको क्या रिस्पॉन्स बोलते हैं? एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स। देखिए सूर्य, ऐसा है ना कि कोविड में न्यूज बड़े तेजी से बदल रहे हैं। एक स्टडी बोलेगा कि इफेक्टिव नहीं है, दूसरा स्टडी बोलेगा इफेक्टिव है। तो ऐसे हालत में देखना पड़ेगा कि परमिशन। अच्छा बता रहे हैं, आरती आपका भी आंसर कर रहे हैं। तो वो जिसका परमिशन दे दिया गया है, जिसके मतलब लॉजिकल, अब चक्कर हो गया है कि जो लॉजिकल है उसको कई बार परमिशन दे दे रहे हैं कि इसको ट्राई किया जाए, लॉजिकल अगर है तो यहाँ पे इसका अलग अलग ये आ रहा है, स्टडी आ रहा है। कोई बोल रहा है, अभी देखिए अभी जैसे सीरियन हैमस्टर, उसमें मिला कि हाँ इसका इफेक्ट है, तो चूंकि और कोई उपाय नहीं है और लॉजिकल है इसलिए इसको परमिशन दिया है इंडिया में। हाँ, सही है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको, ह्यूमरल रिस्पॉन्स। आरती का क्वेश्चन था, अगर फीवर आया और कुछ दिन हो गया तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं भी आ सकता है? आरटीपीसीआर जरूरी नहीं है, आरटीपीसीआर अगर वायरस आके चला गया तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ तो बात ये बोल रहे थे कि हाँ, तो ये जो है ये हमारा ह्यूमरल रिस्पॉन्स हुआ। ह्यूमरल रिस्पॉन्स 2-3 महीना में कमज़ोर पड़ जाता है। और लेकिन ये जो टी सेल्स और बी सेल्स जो है उनका नंबर बढ़ा हुआ पाया गया है, बढ़ता है। बाकी पढ़िए, ये अब हम इतना ज़्यादा बता चुके हैं। हाँ तो वायरल लोड होगा आरती। वायरल लोड अभी होगा। देखिए जितना हम लोग समझ पाए हैं, अगर बुखार आके 14 दिन बीत जाता है, 14 दिन बाद आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के चांसेस कम है, 14 दिन बाद। उसका कितना दिन हुआ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है ना। अगर मानते हैं कि वो वायरस आया वायरस के 3 दिन बाद उसका सिम्टम है, बुखार आया खांसी आया, इसके बाद 11-12 दिन और, तो इसके बाद पॉजिटिव आने का चांस थोड़ा कम है। कितना दिन हुआ था उसका बुखार आने के, कितने दिन बाद टेस्ट करा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारा इंडिया में कैसे कैसे इलाज कर रहे हैं। हाँ तो 6 दिन तो नॉर्मल पीरियड है, इसमें तो अभी वायरल वो सेडिंग कर रहा है वो, तो हो सकते इन्फेक्टिव भी हो। 6 दिन बहुत कम है, 14 दिन के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो हमें मान लेंगे कि ये इन्फेक्टिव नहीं है, क्योंकि वायरल सेडिंग, वायरल का पार्ट का सेडिंग भी होते रहता है। लेकिन 14 दिन के अंदर में तो पॉजिटिव आया तो ये तो मतलब इसको तो क्वारंटाइन में रहना चाहिए। अच्छा आगे बढ़े, इंडिया में क्या क्या चल रहा है दवा। रेमडेसिविर याद होगा आप लोगों को, एबोला का दवा था, सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, एबोला का दवा था ये। सॉलिटरी ट्रायल में इसका ट्रायल भी हो रहा है, और
ये इंडिया में परमिशन है इसका यूज करने का, तो ये RDRP फुल फॉर्म मिला आज, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसको मिमिक करता है। तो ये बात ये है कि जब ये RNA रिप्लिकेट हो रहा होता है, अपना कॉपी बना रहा होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो रेमडेसिविर है ये कहीं ना कहीं घुस जाता है इसके अंदर ही। तो ये जो होगा ये RNA खराब RNA हो जाता है, क्योंकि इसमें तो रेमडेसिविर घुस गया कहीं कहीं पर, तो ये अपना कॉपी नहीं बना पाएगा, तो वायरल रिप्लिकेशन को रोक देगा। लेकिन बात ये समझ लीजिएगा कि ये केवल मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रूव्ड है कि काम कर रहा है, बट इंडिया में परमिशन दिए हुए हैं, वो लॉजिकल है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लॉजिकल है, इसलिए इसको परमिशन दिए हुए हैं। तो इसका पर डोज का कीमत आ रहा है 5,000 से 6,000 रुपये, इंजेक्टेबल है। आगे बढ़े इसको लेकर के आज एक आर्टिकल इसमें ही है जो बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ है, सरकार के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाया हुआ है कि फ्लाविविनीर को फाविपीरावीर को किस बेसिस पे मतलब बोला गया कि इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए। डेटा, एक राइटर बोल रहा है कि डेटा दीजिए कि वो कौन सा डेटा है जिससे आप इसको यूज यूज करवा रहे हैं। तो ये भी अपने आप को वायरल RNA में घुसा देता है, और जिससे उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक, अगला वाला जो आएगा आर्टिकल उसमें दिखाएंगे। डेक्सामेथासोन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कितना बार पढ़ लिए है, छोड़ रहे हैं। ये फाविपीरावीर जो है इसको लेकर के ये जो पार्टिकुलर राइटर है ये वो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है, बोला है कि ये जो दवा है ये दवा को ट्रीटमेंट पर्पस से आप इसको परमिशन दिए, तो वो कौन सा स्टडी है उसको बताइए जिससे स्टडी से चांस बन रहा है कि ये काम करता है। तो मतलब RCT कहाँ हुआ, ये राइटर पूछ रहा है, RCT कहाँ हुआ, प्लेसेबो था कि नहीं था। ये राइटर का एक मुद्दा ये भी है कि ये दवा जो होगा ये पर टैबलेट 130 रुपी, ये करीब करीब है, करंट ऑफ हुआ है बट आ जाएगा, 130 रुपी पर डोज ये है। तो ये बोल रहा है कि ये दवा का मास ऑर्डर आएगा और ये कंपनी जो होगी ये बहुत सारा पैसा कमा लेगी। ये भी बात कर रहा है कि जैसे रामदेव बाबा सारा का सारा जो स्टडी किए थे वो सारा का सारा स्टडी किए थे माइल्ड केसेस पर, तो ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी बोल रही है कि हम ट्रायल किए हैं वो 12 हॉस्पिटल्स में, वो सारे के सारे या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कर रही है वो माइल्ड और मॉडरेट केस में कर रही है। राइटर बोल रहा है माइल्ड और मॉडरेट केस तो यूं ही ठीक हो जा रहे हैं, तो फिर इस दवा को चुनने के पीछे क्या रीजन है। ये और भी कुछ सिस्टम का बात उठाया है कि 2012 के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बनाया था, जो कोई भी नया ड्रग अगर अप्रूव किया जाएगा तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी का राय जो होगा वो लिया जाएगा। तो इसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होने थे। तो बोल रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है उसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल रहे हैं, कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी का क्या क्या व्यू था इस दवा के बारे में। तो बोल रहे कल्चर ऑफ सेक्रेसी जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा पहुंचा देगा जो पर टैबलेट 103 रुपए लेगी। और ये खुद बोल रहा है कि वी वुड कॉशन, ये जो दो डॉक्टर लिखे हैं, वी वुड कॉशन आवर कंट्री मैन अगेंस्ट एनी सच परचेजेज अंटिल DCGI मेक्स पब्लिक एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्सलरेटेड अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड अलॉन्ग विथ माइनूट्स ऑफ SEC मीटिंग
वेयर द ड्रग वॉज अप्रूव्ड। तो ये बोल रहा है कि ये सिक्रेसी, ये डीसीजीआई जो है वो सीक्रेट वे में इसको अप्रूव की है, कोई डेटा बिना डेटा का ये काम की है। पढ़िएगा, बहुत कुछ हो रहा है देश में। चलिए, कोविड रिलेटेड न्यूज हम लोग खत्म किए, अब दो तीन न्यूज और हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल खत्म करेंगे। तो एक जैसे इसरो है, उसी तरह से एक नया रेगुलेटर बना है, इन स्पेस, ध्यान रखिएगा, इन स्पेस। इन स्पेस फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। काम क्या करेगा? इसरो, ठीक। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इस आर्टिकल में जो पढ़ के समझ में आ रहा है, इसरो का मेन काम है रिसर्च, स्पेस रिसर्च, मून का लैंडिंग, वहां से मटेरियल लाना, उसको एक्सप्लोर करना, इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, मंगल पे कैसे जाएंगे, स्पेस में कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो, मतलब ये काम बोल रहे। ये सब काम को छोड़ करके इसरो आजकल लॉन्चिंग, व्हीकल बनाना, सैटेलाइट बनाना, ये सब काम में ज़्यादा लग गई है, और जो रिसर्च का काम है वो काम कम कर दी है। तो प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के फील्ड में लाने और उसको रेगुलेट करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो ये जो होगा 6 मंथ में ये फंक्शनल हो जाएगा, जो इट विल असेस द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक, एंड एक्सप्लोर वेज टू एकोमोडेट दीज रिक्वायरमेंट्स इन कंसल्टेशन विद इसरो। इसरो के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करेगा और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस स्पेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, हाँ वो बात कर रहे हैं, स्पेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें इनको डेटा भी देगा और उनका हैंड होल्डिंग करेगा। एंट्रिक्स के बदले में तो लोग दूसरा बनाए थे, आरती, उसका नाम जो है वो अलग, थोड़ा अलग मुद्दा है, क्लारीफाई कर दे रहे हैं। ये था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तो 1901 साल पहले ही बन गया, 2019 में। एंट्रिक्स का काम क्या है? एंट्रिक्स का काम है कि जो हमारा कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी का मार्केटिंग कर, मतलब कि जाकर के इंडोनेशिया में जाकर समझाएंगे कि हमारा पीएसएलवी है, पीएसएलवी जाएगा, आप भी अपना सैटेलाइट अगर बना करके इसमें दे दीजिए, हम लेके जाके आपको स्पेस में छोड़ आएंगे, मतलब इस तरह का कुछ। तो हमारा व्हीकल हमारा जा रहा है, गाड़ी, इस गाड़ी में अपना भी लाद दीजिए, हमारा सैटेलाइट जा रहा है, आप भी लाद दीजिए कुछ। तो ये एंट्रिक्स का काम था। तो उस तब उसको एंट्रिक्स का काम करता था, उसके बाद ये लोग बनाए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये काम उससे पूछा गया कि ये मार्केटिंग आम था, तो उससे पूछा गया कि एंट्रिक्स भी तो यही कर रहा है, फिर आप ये क्यों बना? तो उस समय कुछ क्लियर जवाब नहीं मिला, लेकिन अब जवाब थोड़ा बहुत आ रहा है। बोल रहा है कि नहीं, एंट्रिक्स जो है वो सप्लाई बेस्ड है, हमारा जा रहा है, आप भेज दीजिए, हम क्या बनाए हैं। NSIL जो है, ये इस आर्टिकल में निकला हुआ है कि उसका काम होगा डिमांड बेस्ड, मतलब कि वो कंट्री से जाकर डिमांड लेगा, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए स्पेस रिलेटेड हेल्प, और डिमांड के बेसिस पे सप्लाई को जनरेट करेगा, ऐसा बोला गया। हालांकि वो रिडंडेंसी तो है ही, एंट्रिक्स भी वो काम कर ही सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ दो बना दिए, ये थोड़ा अलग है। वो जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम लिए, एंट्रिक्स NSIL, ये दोनों जो है, ये दोनों मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो है, और ये मार्केटिंग का आर्म नहीं है, ये जो है ये जैसे एग्जाम्पल ले रहा है, श्रीहरिकोटा में हमारा PSLV का लॉन्च पैड है, तो ये जो होगा इन स्पेस, ये किसी प्राइवेट पार्टी को, सोचिए अदानी को या अंबानी या किसी को भी बोलेगा कि स्पेस में काम करना है, तो आप अपना लॉन्च पैड बना लीजिए, आपको जमीन दे रहे हैं, आपको हम टेक्निकली हेल्प भी करेंगे, आप एक PSLV जैसा व्हीकल बनाना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हम पूरा हेल्प करेंगे, आप बना करके खुद ही अपना PSLV बना करके छोड़िए। तो ये काम होगा, मतलब उसका रेगुलेशन करना प्राइवेट पार्टी का। तो
पहले भी इन्वॉल्वमेंट था प्राइवेट पार्टी का, लेकिन वो क्या बनाते थे, स्प्रेयर सप्लाई करते थे पीएसएलवी के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, ये सारे के सारे ये स्पेयर सप्लाई करते थे। लेकिन ये जो है ये प्राइवेट पार्टी को वो काम मतलब कोई दे देगा कि ये काम आपको करना है। तो बहुत कुछ आप पढ़िएगा, हम रेड से मार्क कर दिए हैं जो आपको पढ़ना है, हम कुछ बात खाली बोलेंगे इसमें। तो बात यहाँ पर ये है कि इसरो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, बोल रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है कि ये अगला 10 साल के अंदर में स्पेस का टेक्नोलॉजी का डिमांड जो होगा एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोड करेगा, तो हम मतलब रेवेन्यू का कोई कमी नहीं होगा और इन कंपनियों का हेल्प करके भी, डेटा दे करके भी कुछ रेवेन्यू हम कमाएंगे। अब आप देख लीजिए अमेरिका में जो स्पेस एक्स है उससे भी ये लोग सीखे होंगे, हो सकता है कि अमेरिका में भी तो यही काम कर रहे हैं, स्पेस एक्स को सौंप दिए हैं, तो खैर। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दे रहे हैं, हाँ वो सब तो हुआ है ही, अमेरिका और हमारा देश में बहुत फर्क है। अमेरिका जो है ये वहाँ के लोगों का बहुत पैसा है और वहाँ पे खर्च अगर ज़्यादा भी होता है, प्राइवेट कंपनी कमाते भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, ठीक है इसका हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन दूसरा बात जो मेरे ध्यान में आ रहा है, अभी रेलवे वगैरह को अभी पता चला कि लगभग 160 रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी, तो ये सब कुछ जो प्राइवेट प्राइवेट होगा तो बहुत एक्सप्लोइटेशंस होंगे, बहुत एक्सप्लोइटेशंस होंगे। ये स्पेस का सेंस में अभी हम नहीं बोल रहे इस बात को, लेकिन अभी रेलवे हमको याद आ गया, एग्जाम्पल दे के आपको समझा सकते हैं हम कि कैसे एक्सप्लोइटेशंस होते हैं। बीएसएनएल के अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको पर मंथ लोअर लेवल पे भी है तो 25-30 हज़ार रुपये तो मिल ही रहा होगा, 30 हज़ार तक तो मिल ही रहा होगा, एकदम लोअर लेवल पे है तो। लेकिन अगर आप रिलायंस के एम्प्लॉई हैं तो आपको हो सकता है 10 हज़ार या 12 हज़ार मिलता होगा। तो एक्सप्लोइटेशन बेस्ड कैपिटलिज्म का कोई मतलब नहीं है। ये पता नहीं रेलवे में क्या होगा, देखते हैं, आगे आने दीजिए, बट आज छोटा मोटा न्यूज हम देख रहे थे तो पता चल रहा था कि उसका भी प्राइवेटाइजेशन लगता है अब मतलब बिल्कुल आँख के सामने ही है। बीएसएनएल को तो बर्बाद कर ही दिए। खैर, तो ये जो है हमारा स्पेसएक्स जैसे अमेरिका में है उसी तरह से यहाँ पर भी वो आपको याद होगा टेस्ला। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो जो होंगे वो अपना व्हीकल भी डेवलप करेंगे, वो अपना लॉन्च पैड भी बना सकते हैं। तो इन स्पेस क्या करेगा, सपोज टू बी फैसिलिटेटर एंड अ रेगुलेटर, इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज। तो इसरो जो होगी अब साइंस रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा अपने आप का दिमाग लगाएगी, एक्सप्लोरेशन करेगी और स्ट्रेटेजिक लॉन्चेज करेगी। ये सब आर्टिकल बहुत अच्छा से पढ़िएगा, यूपीएससी इस तरह का चीज़ से क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक एक बात पता होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के स्पेस के नीचे है और इसका अपना चेयरपर्सन होगा, अपना बोर्ड होगा। अच्छा, बाकी पढ़िए आप, आगे बढ़ते हम लोग।
नासा अभी ब्लैक लाइव्स मैटर आपको बहुत चल रहा है, ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए काम किए जा रहे हैं, और ब्लैक लोगों का अमेरिका में कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट करने के लिए कुछ किया गया है। तो नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर। तो उसके नाम से इसका जो हेडक्वार्टर होगा, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो इसके नाम पर रखा जाएगा, इस लेडी के नाम पर, टू डिटेक्ट सॉरी ताकि इस जो ये ब्लैक लोग हैं या मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, जो लोग कंट्रीब्यूशन दिए हैं नेशन में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, इसलिए ये लोग ये नाम रखे हैं। मैरी जैक्सन के बारे में कुछ इसमें और भी निकला हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा हमको समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये निप्पन फाउंडेशन एंड जिबको ये मिल करके एक सी बेड प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो ओशन का फ्लोर का मैपिंग 2030 तक करने का प्रोजेक्ट है। इसका 20% हो गया वो डेटा है, तो 2017 में ये शुरू हुआ था और ये 19% जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, ये धरती में आप समुद्र के किनारे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर पानी आ रहा है आपके पास में, लेकिन अंदर में क्या है आखिरकार, कहीं पे बड़े बड़े कैनियंस है, कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं पे अंदर वोल्केनो है। तो ये ओशन फ्लोर जो है बड़ा वैरिड है, तो पूरा का पूरा ओशन फ्लोर का, पूरा दुनिया का ओशन फ्लोर का वो मैपिंग करना, कहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्ट निप्पन फाउंडेशन जापान का है और गेपको सीवेड ये मिल करके ये लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे, इसको बोलते हैं निप्पन फाउंडेशन गेपको सीवो 2030। ये लोग पूरा का पूरा सीवेड को ये 2030 तक पूरा बता देंगे कि ये कैसा है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग को पता चलेगा कि ओशन में सर्कुलेशन कैसा होता है, टाइड्स कैसे आते आते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ से नेविगेशन करना चाहिए, सुनामी का फॉरकास्टिंग में कुछ हेल्प मिल जाएगा, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट जो हम लोग चलाते हैं ओशन में ये इसके बारे में हेल्प मिलेगा, ऑफशोर विंड टर्बाइन चला पाएंगे, फिशिंग रिसोर्सेज मैपिंग हो जाएंगे, और कैसे केबल्स लगाएंगे समुद्र के अंदर ये हम लोगों को हेल्प मिलेगा। तो केबल्स लगाते हैं खास करके इंटरनेट के लिए, तो इंटरनेट के लिए बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इंटरनेट जो चलता है वो सैटेलाइट से चलता है, तो इंटरनेट सैटेलाइट से भी चलता है लेकिन मेनली उसे नहीं चलता, इंटरनेट जो चलता है मेनली चलता है फाइबर्स जो होते हैं केबल्स, जैसे यहाँ से समुद्र के अंदर में केबल होगा, ये केबल हो सकता है जा करके और वो रेड सी से निकल करके चला जाए ब्रिटेन तक, तो ये केबल के थ्रू ही डेटा वो ज़्यादा आते जाते हैं, ज़्यादा तक डेटा। तो ये केबलिंग करने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए ये काम आएगा। हम लोग क्लाइमेट चेंज को बेहतर समझ पाएंगे, हम बताए दिए कैनियंस होते हैं, वोल्केनो होते हैं, और पानी कैसे गर्म पानी ठंडा पानी के साथ मिक्स होता है वो समझ पाएंगे। तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग, ये निप्पन फाउंडेशन है जापान का, और एक है जनरल बाथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन, तो ये है गेबको।
ये जो है बैथीमेट्रिक का मतलब है समुद्र का गहराई नापना। तो ये फ्रांस का ये ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अभी तक इसको गहराई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं, ये में सैटेलाइट प्लेन में लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें डीप वाटर हल माउंटेड सोनार सिस्टम का यूज होगा, अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज होगा, उसका मैपिंग करेंगे। खैर तो आगे बढ़े हम लोग। सोलर इक्लिप्स आया था जून 21 को, और ये थोड़ा लंबा टाइम तक चला। तो यहाँ झारखंड में तो नहीं था, उत्तराखंड में ये दिखा, और ये पूरा का पूरा जो मतलब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स जो था वो 38 सेकेंड्स तक था। तो ये आपको पता है, बाकी सब यहाँ हमारा अर्थ है, यहाँ पे अगर सन है और बीच में अगर मून आ जाए तो सोलर इक्लिप्स आता है। सोलर इक्लिप्स आता है तो ये जो सन होता है ये पूरी तरह से अगर ये मून से ढक दिया जाए पूरी तरह से, तो सन का बाहरी हिस्सा दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये रेयर इक्लिप्स था ये, जो कि समर सोलिस्टिस के दिन हुआ था। तो समर सोलिस्टिस के दिन होने के कारण थोड़ा लंबा भी खींचा। तो समर सोलिस्टिस के बारे में इसमें कुछ निकला है, बोल दे रहे हैं हम, ये लास्ट आर्टिकल है, थोड़ा टाइम भी हमारे पास में है तो बोल दे रहे हैं कि समर सोलिस्टिस जो होता है वो क्या होता है। ज्योग्राफी जो लोग की है बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये यहाँ पे पॉइंटेड सन बना रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा सन है। तो हमारी जो धरती है वो इसका चक्कर मार रही है, और ये इस तरह से टिल्टेड है, यानी कि यहाँ ये रोटेशन का एक्सिस ये है, ये एक्सिस रोटेशन का है, और ये जो प्लेन जो है वो प्लेन का 90 डिग्री है, मतलब ये प्लेन 90 डिग्री बनेगा इस तरह से यहाँ से, लेकिन रोटेशन इस एक्सिस पे कर रही है, इस एक्सिस पे कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ना, ये कौन सा लाइन है बता सकते हैं आप, जो कि सन से परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है, निमेश और आर्थिक आंसर दिखा क्या, बाकी लोगों को आइडिया है? कम ही आंसर आया तो हमको फिर कुछ बोलना पड़ेगा। हम बता रहे हैं एक बार फिर यहाँ पे, ये हमारा सन है, इससे बना रहे थे कि उसका परपेंडिकुलर हम दिखा पाए कि ये। ये हमारी धरती जो है ये घूम रही है, थोड़ा यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे करके बना रहे हैं, ये एक्सिस है यहाँ से। तो अभी थोड़ा ऊंचा कर दे रहे इसको, और ये जो है ये बिल्कुल धरती का बीच का हिस्सा है। तो हमारा अर्थ जो है ये, अगर हम अर्थ को मैप करें, तो
तो अगर वो ऐसे रोटेट करती है, यहां से अगर रोटेट करती है, यहां से तो अगर ये वाला एक्सिस होता तो क्या होता कि दिन और रात हमेशा बराबर होता, आधा आधा रात हो रहा है इधर में और इधर में दिन हो रहा है। लेकिन चूंकि यहां से रोटेट करती है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो ज्यादा झुका हुआ है यहाँ पे। तो देखा जाए तो जो लाइन यहाँ पे इसके ठीक परपेंडिकुलर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो इधर का जो हिस्सा है या इसके इसके आसपास उसको मैक्सिमम लाइट मिल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है, ये थोड़ा दूर चला गया बाकी सब लाइन ये, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे लाइट मिलेगा। ये समर सोलिस्टाइस है। अगर ये धरती मुड़ करके यहाँ पे आ जाएगी, अर्थ अगर यहाँ पे है तो टिल्ट, वो तो टिल्ट तो ऐसे ही है आखिरकार, तो ये जो नीचे वाला लाइन होगा ये आ जाएगा, ये जो लाइन है ये वाला लाइन, ये लाइन ये यहाँ बना रहे वाला, ये लाइन जो होगा वो आ जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर और ये लाइन चला जाएगा दूर, ये जहां पे आ रहा था ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो ये जो लाइन नीचे वाला लाइन है ये इसको पूरा का पूरा लाइट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। तो विंटर सोलस्टाइस और ये समर हो गया। तो 21 जून जो था ये वाला था, 21 जून, 21 जून का ये सीन है। इसी दिन में यहाँ पे मून आ गया और इसको ढक लिया। तो अब जो विंटर सोलस्टाइस जब होगा तो ये जो साउथ का जो एरिया है यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ेगा और ये दूर चला जाएगा, तो यहाँ हम लोग ठंडा में रहेंगे उस समय में। तो ये जो एरिया में ज़्यादा लाइट पड़ रहा है ये तो जिस समय हम लोग को विंटर सीजन रहता है उस समय ऑस्ट्रेलिया में खूब गर्मी पड़ रहा होता है, ये जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और अभी हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ खूब ठंडा चल रहा होगा। तो ये सोलस्टाइस का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ था, तो वो आप लोगों को हम समझा दिए। बाकी बातें छोड़ते हैं आज, आप लोगों से कल मिलते हैं, कल कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पढ़िए इसको, हम ज़्यादा अभी नहीं बोलते हैं बहुत सारे आर्टिकल में, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव है और आप लोग भी थोड़ा फास्ट हमको लगता है पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत कुछ जाना पहचाना आ रहा होगा। तो क्लोज करते हैं आज का क्लास, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो प्रोबेबली किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास क्लोज करते हैं।